पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के द्वितीय पुत्र एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने प्रधानमंत्री सेवा सप्ताह के तहत शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण किया और उनका कुशलक्षेम पूछा। इस अवसर पर उनका सहयोग करने वालों में डॉक्टर गणेश प्रसाद, समीर राय, प्रमोद सिंह सहित उनके दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, और आप लोग को दवा मिल रहा है ना टाइम से? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर जो एक सप्ताह हम लोग सेवा दिवस मना रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग जगह जगह सफाई अभियान और फल वितरण का कार्यक्रम प्रत्येक दिन नए नए स्थानों पर जहां आवश्यकता है वहां हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मोटो भी है कि नर सेवा नारायण सेवा, जितना हम सेवा कर सकें जनमानस का, खासकर गरीबों का, मरीजों का, उतना जो है हम मानते हैं कि एक प्रकार की नारायण की सेवा होगी। इसी भावनाओं के साथ हम अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।